तो चलिए नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किर्लोस्कर इंस्टीट्यूट की। जी हाँ, यहाँ पर KIMS में कैसे आप लोग यहाँ पर एडमिशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। जी हाँ, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ, तो ध्यान से आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है। तो सबसे पहले एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आता है। सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक हेयर टू रजिस्टर पर क्लिक कर देता हूँ, और जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर दिखेगा, अगर यहाँ पर एडमिशन फॉर्म वाला एक सेक्शन मिल जाता है, तो सिंपली आप यहाँ पर इस एडमिशन जो फॉर्म है इसको कैसे फिलअप करना है वो देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, उसके बाद जो आपको यहाँ पर आपका जो भी डिटेल पूछी जा रही है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। जैसे आप लोग यहाँ पर इस फॉर्म को अच्छी तरीके से फिलअप कर लोगे, मान लीजिए अगर आप लोग गलती करते हो, मान लीजिए आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से भरिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी डिटेल डाल रहा हूँ, उसी तरीके से आपको यहाँ पर अपनी डिटेल डाल देनी है। अपनी डिटेल डालने के बाद सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट में जाना है, और नेक्स्ट में यहाँ पर इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पुणे सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको सिंपली नीचे वाला सेक्शन मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद किस तरीके का यहाँ पर मैं इस तरीके का यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग आई एक्सेप्ट पर क्लिक करोगे तो सबमिट टू स्टार्ट एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आपका ये फॉर्म स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे कर देना है क्लिक। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और नया इंटरफेस निकल कर आएगा, जहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी होगी। जी हाँ, आपको अपनी सभी डिटेल डाल देनी होगी, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फ़ोटो अपलोड, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, यानी कि जितनी भी डिटेल है वो आपको यहाँ पर डालनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले देखिएगा, कुछ इस तरीके का ये फॉर्म आता है, तो सिंपली क्लिक है टू प्रोसीड पे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर टाइम लोडिंग हो रहा है, क्योंकि ये जो वेबसाइट है उसकी प्रोसेसिंग है। तो सिंपली अब आपको यहाँ पर आ जाने हैं, तो यहाँ पर देखिएगा कुछ इस तरीके से जो हमने नॉर्मली फॉर्म फिलअप करते टाइम डिटेल डाली थी वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अब जैसे कि यहाँ पर आपको ये सभी डिटेल अच्छी तरीके से फिलअप कर लेनी है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी इससे पहले मैंने एक फुल वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो हमारे चैनल पे जाके देख भी सकते हैं। बाय द वे, अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक मिलेगा। अगर आपको इसके बारे में पूरा गाइडेंस चाहिए तो उस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करिएगा। तो फिर मिलूंगा नेक्स्ट।